नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छबराम साख। कहाँ से आए हैं सर? ग्राम कुरेठा है, जिला मुरैना है, मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने ली 2017 में 8वां महीना 6 तारीख को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोलेनाथ की भोले की सेवा करता था और अच्छी तरह से मानता था उन्हें। तो सर, भोले जी की जो आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? मैं भोले की भक्ति करता था, मैं जैसे कावड़ लेने जाता था, मैं भोलेनाथ से यही कहा करता था, ए भोलेनाथ मेरे घर की लड़ाई ख़त्म हो जाए, ए भोलेनाथ मेरी मम्मी के पैर में कैंसर हो गया है वो भी सही हो जाए, मैं आपकी कावड़ एक नहीं चार चार कावड़ लेके आऊँगा, कोई डाक कावड़ लाऊंगा, मैंने कि कंधे वाली छोड़ दूंगा, मैं डाक कावड़ लेके आऊँगा और सही हो जाए। मैं भी उन वहाँ पर जाते जाते गांजा पीने लगा, गुटखा खाने लगा, दारू पीने लगा, मेरे अंदर इतने गंदे गंदे अमाल हो गए थे, मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत डांटते थे। तो सर, जो आप भोले की भक्ति करते थे उससे आपकी मम्मी को कैंसर हो गया और आप भी नशे की लत में डूब गए, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के से मेरे को मतलब जानकारी ऐसे मिली कि मैं मेरे मम्मी पापा हैं वो 2008 में जुड़े हुए थे और वो हम जब भी घर आया करते थे तो हमसे कहा करते थे कि बेटा वहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे वहाँ चलो तुम्हारे अमाल भी छूट जाएंगे और दूसरी बात आप सुधर जाओगे, गंदे काम से अलग हो जाओगे। तो मैं नहीं आया करता था, जगत के जो भी लोग वाग हमारे दोस्त लोग हैं वो बोलते थे बेटा ये गलत बात है, ये तो ऐसे ही है, फलाना ढीका ये वो गंदा संदा है, ये गुरु संत महाराज ऐसा है वैसा है। मैं भी भड़क जाता था, मैं दूसरे दिन नौकरी से घर आता था, दो दिन नहीं रुकता था, मैं भर जाता था दिल्ली के लिए। मैं हलवाई का काम करता था, मुझे जगने की ज़्यादा जो हेडिंग थी तो मैं बीड़ी गुटखा दारू ये सब करता करने लगा था। मैं एक रिश्तेदारी गांव जौरी पड़ता है ये पत्तापुरा जौरी के पास भिंड जिले में, तो वहाँ पे मैं गया था, मैं रात को बीड़ी पी दे के 15-20 मिनट में एक बीड़ी पीता था और बीड़ी पीने के बाद मैं सो गया, मैं देखा बंडल गायब हो गया, 8 बजे जगा, मैं रिश्तेदार की जगह थी तो मैं बताया रिश्तेदारों को, बुआ जी ऐसे ऐसे दुकान खुली है, मैंने कि बोले हाँ है, तो मैं बीड़ी लिया फिर पिया तो इतना कड़वा लगा मेरे को, मैंने कि मेरा बीड़ी चुराता है, मैंने कि जो भी आता है सामने आए, और मैं रात को फिर बीड़ी धर के सो गया तो फिर बीड़ी चोरी हुआ, मैंने कि जो भी है सामने आए मैं एक बंडल नहीं चार दूंगा उन्हें, और दूसरी बात मैंने कि जो भी करना है तो मेरे से मांगो ना मुझसे, मैंने कि जो भी है ये परमात्मा, मैंने कि को भी है जो भी बीड़ी चुराता है मेरे सामने तो आए। जैसे ही मेरी आंख बंद हो गई और मैं लेट गया और मेरे को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, ऊपर से आते हुए मैं देखा मैंने कि अरे ये तो मेरे मम्मी पापा भी सेवा करते हैं, मैंने कि ये तो बहुत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, मैंने कि ये तो मेरे मम्मी पापा सेवा करते हैं, मैंने कि ये तो मैं अभी तक समझा ही नहीं, मैं तो इन्हें गलत समझता था। तो उसी दिन मैंने कहा, मैंने कि अगर सच्चे गुरु हो तो मुझे दोबारा दर्शन देना, तो मुझे दोबारा दर्शन हुए और उन्हें दंडवत प्रणाम करी, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अभी तुझे समझने में टाइम लग रहा है, टाइम हर किसी को एक बार मिलता है, किसी को भी मिलता है, अच्छा रास्ता तो एक बार मिलता है, मेरे को रास्ता मिला, मैं समझ गया तो आ गया, नहीं काफ़ी बार मेरे को दर्शन दिए लेकिन मैं नहीं समझ रहा था, इसलिए मैं इतने दिन से भटक रहा था। उसके बाद मैं आने के बाद वहीं से मेरी मन में मैंने ठान लिया मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाऊँगा और नाम दीक्षा मैंने गुरु दीक्षा मतलब ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को लाभ प्राप्त हुए और मेरी मम्मी के कैंसर था वो भी सही हो गया, और जो मैं भोलेनाथ से पहले भी कहा करता था मेरे जो कैंसर नहीं ठीक हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो भी सही हो गया, मेरे मम्मी पापा की लड़ाई भी ख़त्म हो गई और मैं भी अच्छा हो गया। दारू पीता था मेरा मालिक है वो भी पिया करता था, मेरा मैनेजर है वो भी पिया करता था, मेरे साथ के लड़के हैं वो भी पीते थे, तो मेरे को पैसे दिए, बोले भगत जी ये पैसे ले जाओ और दारू लेके आते हैं ठेके से, दोनों तीनों लोग मिल के पियेंगे। तो भगत जी मैं जाता था खुद लेने गया, मैं बोतल लिया ठेके का बोतल लिया और बोतल का मुंह पकड़ के मैं जैसे ही ऐसे चल दिया और हाथ से मतलब बोतल मेरे से छूट गई ऐसे ही अधपर से टूट के। मैं आया मैनेजर से, मैंने कही सर मैंने कही मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बोले क्या हुआ, मैंने कही ऐसे ऐसे बोतल लेके चल दिया तो बोतल टूट गई मेरे से, बोले कोई बात नहीं बेटा गलती हो गई तो कोई बात नहीं, 100-200 रुपये क्या हमारे लिए, हम तो रात दिन कमाते हैं, तुम खर्च करोगे तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा।
तो मेरे को 200 रुपये फिर दिए, तो मैं गया लेने, बोतल ले आके मैंने अपने किचन में रख लिया। मैं हलवाई का काम करता हूँ, किचन में कटिंग वटिंग कर रहा था मैं, डाल के और कांच के गिलास में दारू डाल के 3 गिलास लगा के रख दिए थे, और मैं कटिंग कर रहा था, मेरा मैनेजर ने पैक बनाया, तो मैं लेने के लिए सब लोग बोलते हैं, मैनेजर बोलता है ले ले छवि, तो मैं उठाने लगा, जैसे ही तो गिलास, तीनों गिलास ऐसे खिल गए थे फूल की तरह, बिल्कुल खिल खिल उड़ गए कांच के गिलास। तो उसी दिन से मैंने दारू पीना बंद करने की कही, मैंने कि ये क्या हो गया, मैंने कि यार आज से दारू नहीं पीऊँगा, गलत बहुत बुरा ये तो हो रहा है, मैंने कि तो नहीं माना मेरा मैनेजर, बोलता यार 1000 क्यों नहीं खर्च हो जाए, 5000 हो जाए, तो अभी जा अभी लेके आ। तो दूसरे लड़के को भेज दिया, मैं नहीं गया, वो लेके आया, उसने डाला दारू, तीन फिर दो लोग और आ गए थे, 5 गिलास हो गए, 5 गिलास प्लास्टिक के गिलास में दारू डाल के रख दी। और जब भी काफ़ी देर तक मैं कटिंग में लगा रहा, भरा पड़ा रहा गिलास चारों पाँचों की पाँचों, और जब उठाया तो गिलास के तरे ही गायब हो गए थे। और हम मैं गुटखा पी खाता था, गुटखा भी मेरे से छूटता नहीं था, मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब लत लग जाती थी, मैं 5 मिनट में मुंह में सोते समय भी गुटखा खाता था, मैं सो जाता था फिर भी खाता रहा, सुबह जागता तब मैं कुल्ला करता, तब देखता मैं गुटखा खाते छाले पड़ जाते थे दबे दबे गुटखे के। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान लेने से हमारा गुटखा भी छूट गया, दारू भी छूट गई, और मम्मी का कैंसर भी ठीक हो गया। बाद में की हमारे घर की लड़ाई भी थी, मम्मी पापा की रोज़ रोज़ लड़ाई होती थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो भी सही हो गए सब। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमने अपना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपना जीवन कल्याण करा रहे हैं, सभी लोग आएँ और अपना नाम दीक्षा लें और संत रामपाल जी महाराज से अपना जीवन कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे नीचे नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर कर फ़ोन पे कॉल करो और नंबर से कॉल करके अपने बात करो, गुरु भगत जनों से बात करके बता देंगे, वो जो भी पास में नाम दीक्षा हाउस होगा बता देंगे, वहाँ पे आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी, सत साहिब।